उसी बैठ के उस सत्संग के कि सत्संग की चीज है, बीमारी नहीं है सबसे तो पहला से ना बीमारी हाई ना है ना होगी, इस वास्ते हम उसी निश्चिंत हो जाओ कि आज तो बात कोई बीमारी तुम्हारे नेड़े नहीं आ रही। वो बीमारी जितनिया भी हैं वो थोड़े अंदर वहम ध्यान देना हो। मैं 70 साल हो गया सारे संसार में मैं पैदल ही घूम के आ रही हूँ, मैं खुद गृहस्थी हाँ, दो लड़के एक लड़की और गृहस्थी रहने में आ गई, सारे संसार का दुख का मसले हल किए 30 साल लगे सर। तो 30 साल लगने के बाद कसम कह भी सारा संसार में सुखी हो सकता है। 84 लाख जूना बीते उत्तम मेरे नूर बंदे, मेरी इश्क के दार के मशहूर बंदे, मोहब्बत के मसले के मशहूर बंदे, होनी के किस्मत के मजबूर बंदे, आई तो होर का होर बन गया तेन की बना दी की बना दी, तेरा दिल सी फुला तू नाजुक बनाया, ओदे विच सी दर्दां दा एहसास पाया, तेरे तन विच बुद्धि दा गुल्ला जलाया, मोहब्बतां दा एक फवारा चलाया, तेरे नाल गढ़िया सी प्यारा दा रिश्ता लगा रिश्ते करन हर एक फरिश्ता, पर आई तू फड़ लैने उल्टे ही चाले, तेरे मन हो गया मजा दी रात तू काले, तेरे सी छुड़ियां कुल्हाड़े दे बाले, आंडी गवांडी दा दिन काले, हिंदू नहीं खून खुसरन दा चोंदा, छुरी तेरे हेठ करा उस तौंदा, कराए ने गंगा सरिस को दुआरे, मंदिर उतारे मस्जिद कीते उच्चे मुनारे, तेरी दी ही गूंजे दी गिनती है सारे, लख को ग्रंथ की धर्मी नमाजी, जो जानवर और आदमी शायद को नहीं उड़ा दी, किसे मत्थे रसाना रसा तू मंदिर में चलिया बजाना बजा तू, पर एक दिल है जानवर और आदमी ना ओ ना दुखा दू। नाम जी वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी, क्या सत नाम सत नाम जी श्री वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। A very warm welcome once again to Out and About. Ayurveda and yoga are two ancient sciences for better living and good health. Back pain especially is very prominent in the Western world, and a recent seminar conducted by Swami Devmurti from Himalayas showed us the importance of light exercises and how it could benefit us. So let's take you to the Brent Indian Association where this seminar took place. Ab ye dekhiye ab baayan taraf ho gaya, acha ab aap sote soye soye ek vyayam kar lijiye, 400 saal tak aap zinda rahenge, अपनी इच्छा से अपनी शरीर को छोड़ेंगे या आगे कर लो हाँ, अब इसको उठाओ इसको यहाँ मार लगाओ, जोर से दूसरा लगाओ, दूसरा भी लगाओ बारी बारी, कुछ ना करिए आप सुबह उठते ही पहले ये हैमरिंग करना शुरू कर, और ये आपकी रीढ़ की हड्डी ऐसी काम करेगी तीनों नाड़ियां खुल जाएंगी, रीढ़ा पिंगला और शिशु, और आपके सब दर्दें खत्म। अब देखिए इसने ससुराल का भी माल नहीं खाया, पहले मोटा हो दोनों एक साथ मारो ये दोनों एक साथ देख लिया आपने, ये हमारा भविष्य है, ये हमारा आने वाला भविष्य है ना देश का, तो हमने इनको ठीक करना है, तो आप सुबह हैमरिंग कर दिया। स्वामी जी सबसे पहले तो मैं जी टीवी की ओर से आपका प्यार भरा सम्मान पूर्वक का आदरणीय स्वागत करता हूँ। आपने बहुत ही बरसों इसमें बिताए हैं लोगों की सेवा के लिए, और वही संस्कृति भारत की जो कि हजारों वर्ष पूर्व हमारे सब ऋषि मुनि करते आए वो आप आज कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत बधाई। आप मुझे बताएंगे कि आपका रिसर्च किस किस क्षेत्र में है? मेरा जो रिसर्च है कि आदमी का बच्चा क्यों तड़प रहा है, 84 लाख जीव सब सुखिया और हॉरिजॉन्टल पे और पेट के बल सो जाते हैं, कुछ नहीं उनके पास है, ना पैसा है ना मकान है, कुछ सेफ्टी नहीं है, कोई गार्ड नहीं है, कोई पुलिस नहीं, कोई मिलिट्री नहीं, कोई बॉर्डर नहीं है, तो उनके पास एक ही है रीढ़ की हड्डी, और वो रीढ़ हड्डी को हिलाते रहते हैं और पेट के बल सो जाते हैं। तो ये मैंने रिसर्च किया है कि 3 मिलियन साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं जो आदमी होरिजेंटल से अपराइट हो गया है। अब हम फिर 4 टांग से तो चल नहीं सकते हैं, लेकिन मैंने उसका कुछ हल निकाले, एडजस्टमेंट किया है
कि घोड़ा जो है रीढ़ की हड्डी को हिलाता है और टेढ़ा उसका हो जाता है, आदमी बैठे बैठे खड़े खड़े टेढ़ी है, तो वो लेट करके घोड़ा उदासा क्यों, आदमी प्यासा क्यों, लोटा नहीं था, तो वो लेट करके अपने सारे दिन भर की थकावट को दूर कर लेता है और फिर वो खाना खाता है। स्वामी जी, मैं मानता हूँ कि आयुर्वेदिक का जो ज्ञान है वो सबसे प्राचीन है, फिर भी आज के अर्वाचीन युग के लिए बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पश्चिम के देशों में ये, जैसे आपने बताया, करोड़ों रज्जू की जो तकलीफें हैं, स्पाइन की तकलीफें हैं, तो बहुत काफी हैं। तो यहाँ का एक सामान्य मानवी किस तरह से इससे छुटकारा पा सकता है और किस तरह से इनका लाभ उठा सकता है? बड़ी सिंपल सी आर्गुमेंट है, जो मेरी सारी जिंदगी का रिसर्च है, वो है कि हमारा अनबैलेंस हो गया है डेली रूटीन। हम काम भी करते हैं तो आउट ऑफ मर्यादा करते हैं, आउट ऑफ सेंस करते रहते हैं, अपने बॉडी का, माइंड का, ऑर्गन का, अंदर दुनिया बाहर दुनिया को मेजरमेंट नहीं करते हैं कि हमें कितना काम करना चाहिए, कितना जागना चाहिए, क्या खाना चाहिए। इसका नाम है नेत्र ज्योति प्रकाशनी नेति। तो ये नेति नाक से गई मुंह से निकली, नाक में घी डालिए, उसका नाम है घृत नेति। अब ये नाक में रबड़ नेति, ये भी आसान कर दी हमने। कितनी बीमारियां, कोई बीमारी लाओ, हम इससे ठीक करते हैं। स्वामी जी, यहाँ के एशियनों की चंद बीमारियां ऐसी हैं कि ज्यादातर हमारे एशियनों में ही दिखाई देती है, और लोग इसके लिए कहते भी हैं कि यहाँ पर जो व्यायाम की कमी है, लैक ऑफ एक्सरसाइज, वो बहुत ही बड़ा हिस्सा उसमें बन चुकी है। तो व्यायाम के बारे में जो हमारे हिंदुस्तान में तो सदियों से लोग, वैसे जैसे आप अभी बहुत अच्छी तरह से समझा रहे थे कि आम जो हमारे दिन के काम होते थे उसमें भी व्यायाम हुआ करता था, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, बॉडी के अंदर 280 लीटर हार्ट पंप करता है खून को 24 घंटे में, और 130 लीटर ब्रेन को चाहिए। और हमारा बॉडी अपराइट हो चुका है, हमारा ब्रेन तक खून नहीं पहुंचता है, तो उसके लिए मैंने हाई जो बताए हैं वो रीढ़ की हड्डी का व्यायाम। ये व्यायाम वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरी अपनी इन्वेंशन है, 30 ईयर रिसर्च ऑफ द ऑल द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ द एनिमल, ह्यूमन एंड वाटर एनिमल्स, दे ऑल्सो डूइंग ओनली द स्पाइनल कार्ड मूवमेंट, नथिंग एल्स, दे डोंट डू योगा और एनीथिंग, ओनली स्पाइनल कार्ड रिलैक्सेशन एंड इलास्टिसिटी एंड स्लीपिंग ऑन द स्टमक। देखिए, सुबह माताएं उठती थी तो चक्की चलाया करती थी बड़ी सुंदर ढंग से, और बच्चा अगर पेट में भी है तो उसको भी शुद्ध खून मिलता था। तो चक्की सुबह 3 बजे उठ के चलाती थी, मेरी माता जी भी चक्की चलाती थी तो मुझे गोद में ले लेती थी, और ये गाना और ये उस समय लोरियां गाती थी, उठी वे शामा जाग सवेले, दिन चढ़ने नू आया ही, चिड़ियां कीती चिरबल चिरबल, तारियां रंग बताया ही। तो चक्की चलाने के बाद फिर चरखा चलता था, जब माताओं ने चरखा छोड़ा तो महात्मा गांधी जी ने अपने चरखे को ले लिया, भाई मर्दों की बारी, अब मर्द ही चलाएं। तो महात्मा गांधी जी के जाने के बाद फिर कोई चरखा चलाया ही नहीं है, तो चरखे से हजारों दफा बाजू घूम जाते थे, तो फेफड़ों के 80 लाख सुराख हैं वो सारे खुल जाते थे, तो आदमी कभी बीमार नहीं होता था, माताएं कभी बीमार नहीं होती थी। फिर वो धान कूटती थी चट्टू, फिर चाटी दूध बिलोती थी। आज भी अगर माताएं घर में बैठे बैठे ये चाटी की एक्सरसाइज कर ले तो फेफड़े, हार्ट, लंग्स, ये आपके सर्वाइकल वगैरह जितनी भी आपको तकलीफें आज अननेसेसरी आ रही हैं वो सब खत्म हो जाएंगी। फिर चौका, फिर चूल्हा, घर का खाना प्रेम से बनाना, माँ ने आशीर्वाद डालना उस खाने के अंदर, और आज हम होलों में जा कर के हजारों आँखें उनके ऊपर, खाने के ऊपर जा सकती हैं, और फिर वो हम खाते हैं। फिर खाते भी क्या है, मांस, अंडा, मछली, चिकन, और ये तली हुई चीज़ें और फ्राई चीज़ें और पिकल और खटाइयाँ और अचार। आदमी को खटाई, औरत को मिठाई, दोनों ने जिंदगी गवाई। तो चक्की, चरखा, चाटी, चट्टू, चौका, चूल्हा, चोटी और चुन्नी गई, और चाह महारानी आ गई। Thank you, Swamiji, for all your tips. I'm sure you'll all agree, even at his age, he's so fit. He must be practicing what he preaches. Mother's Day. As you are all aware, today is Mother's Day. And to find out the importance of Mother's Day... कोई ना रिठा
साड़िया बहु बेटिया आज भी हैं, परंतु थोड़ा जहा असी अपने आप नूं मर्यादा विच ले आवांगे। संसार विच कोई जहर नहीं है, जहर वही है जिहड़ी मर्यादा तो बाहर है। तो अपने आप नूं समझो, ये साडे बुजुर्गों ने इतनी कुर्बानियां करके साडे वास्ते रस्ते साफ कीते हैं, तो साडी ड्यूटी है कि उन्हां गुरुआं दा पाठ पूजा बाणी दा प्रकाश घर घर च होना चाहिए। तो कोशिश करो, मैं 30 साल की कोशिश दे नाल मैं हमेशा हजूर साहब जाके अपनी संगतों ने नाल ले जाना, गड़िया भर भर के अमृत छकाना। बाबा मोनी जी उत्थे सन, उन्होंने आप इस चीज नूं जोड़ा, हुण मैं तुहानूं दसण आला। हजूर साहब जी ने सुनिया, अद्धे घंटे दे विच मैं उन्होंने सारा सिखा दिता। हैरान होए कि बाणी विच योग दा आंदा है लेकिन इतना आसान। तो राज योग, हठ योग, मंत्र योग, तंत्र योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, क्रिया योग, अग्नि योग, भक्ति योग, शक्ति योग, त्राटक योग, बिंदु योग, कुंडलनी योग, ये 5 उंगलियां बराबर नहीं है लेकिन ये बराबर हो जानी है। बाणी सांझी है, सारे दे हक ने इत्थे आके प्रसाद लेना, गुरुआं दी बाणी नूं सुनना। तो ये 5 उंगलियां जिले वड्डे आ हेठा आ जाने, ये इक्वल हो जाने बराबर। तो दरबार साहब के चरणों में आके भी अगर साडे मन नूं शांति नहीं मिलती है, सुखमणि का पाठ भी करने नाल साडे मन नूं साडे घर च शांति नहीं है, तो ये मतलब है कि कोई साडा कसूर है। वो कसूर की है, वो गलतियां की हैं, वो मैं तुहानूं फटाफट दस देनी है। सिर्फ 4 मिनट अगर तुहाडे कोल अपने वास्ते हैं, 4 मिनट अपने बच्चों वास्ते हैं, 400 साल तक अपने शरीर नूं ले जा सकते हो और अपनी इच्छा नाल अपने शरीर नूं छड़ सकते हो। क्या बाबा दीप सिंह सिर नूं हाथ ते रख के लड़ लड़ के दुश्मनां दे छक्के छुड़ा दिते ने और अपने शीश नूं गुरुआं दे चरणां च आके भेंट कीता है? इस वास्ते मेरे को हथौड़ा सिंह है और टेढ़ा सिंह सीधा कर देना मार के। मेरिया सचिया गल्ला हैं, सच्चा सौदा है, कड़वा बहुत है। मैं पहले ही माफी मांगना चाहना कि मैं पढ़िया लिखिया हाँ नहीं, निरक्षर भट्टाचारी हाँ, और जो मैं समझ आई है, जो सत्य है, कोई मैं तुहाडे अगे बोलना है। समझ लोगे तो बड़ी अच्छी बात है, ना समझोगे तो भी अच्छी बात है, ये तुहाडे हाथ दे विच है। हर चीज तुहाडे हाथ विच गुरुआं ने दे दित्ती है। साबत सूरत रब दी बन्ने कट्टे बेईमान, असी गुरुआं तों बेमुख हो गए, रहत नूं नहीं असी अपना रहे हैं। तो इस वास्ते तुसी अज तों बाद अपने घर दे विच की आवे ते की ना आवे, की काम होवे ते की ना होवे, वो दो गल्लां तुहाडे नाल करनियां हैं। उन्हां नूं बड़े प्यार नाल, प्रेम नाल, कड़वे बचन हैं, उन्हां नूं सुन लेना। कोई सवाल भी करना होवे ते बाद विच तुसां कर लेना, जे पहले करना चाहो तन दा मन दा धन दा अन दा जन दा कोई भी प्रश्न तुहाडा नहीं समझ आ रहा जिंदगी दा, तुसीं पहले प्रश्न कर लो। मैं तुहानूं पहले टाइम कोई बीमारी किसे मतलब तुसीं पुछना चाहते हो, मैं उन्हों इको चाबी दे नाल सारे ताले खोल देना। वो इंटरनेशनल चाबी कड़ी है जेड़ी ना यूरोप च, ना एशिया च, ना योग च, ना आयुर्वेद च, ना होम्योपैथी, ना एलोपैथी, ना नैचुरोपैथी किसे विच नहीं मिलेगी। जेड़ियां मैं हुण गल्लां तुहानूं दसण वाला हाँ, उन्हां नूं बड़े प्यार नाल सुन लेना, सुनन तो बाद थोड़ा जिहा सोच भी लेना और उन्हों अपना लेना। एक मिनट दे विच सानूं नींदर आनी चाहिए, नींदर साड़ी है, शरीर साड़ा है और सानूं नींदर नहीं आती है, इधर तो कोई गलती हुई है। 4-5 मिलियन साल की गलती नूं मैं अज तुहाडे सामने रखन लगा। ये ठीक है कि 70 साल मेरे
जिंदगी जे लग गए जिथे ना पहुंचे रवि सूर्य उठे पहुंचे कवि और जिथे ना पहुंचे कवि उठे पहुंचे महात्मा अनुभवी। इस देश नु सारे वर्ल्ड नु ठीक करने वाले महात्मा सन महात्मा जेडे ऊपर जा रहे महात्मा जेडे हेठा जा रहे बस जेर ते जबर छ एक लुपे नाल खुदा भी है और जुदा भी है। ये हम तुसा सोचना है कि तुसी किस तरह क्यों एको पॉइंट बचपन को मेरे दिल ही सी कि आदमी का बच्चा क्यों तड़फ रहा है। 84 लाख जीव सब सुखी ने सोचो 84 लाख जीव जब सारे सुखी ने धरती होते अभी खाली दुखी हैं क्यों दुखी होया कल तू दुखी होया कि तक किसी ने कोई रिकॉर्ड नहीं रिसर्च नहीं की है। तो आओ मैं तो ये रिसर्च दसना चाहना बड़े प्यार नाल जरा रीढ़ दी हड्डी सीधा कर लो सीधे बैठ जाओ बस इतना ही मेरा प्रश्न है। थोड़ा जहा रीढ़ दी हड्डी सीधी कर लोगे जाओ थोड़े तो सारे प्रॉब्लम खत्म। साई का की पावना इधर पुटना इधर ना होना साई किस तरह पावीए जीवड़ा किस तरह दुखावी हते पराया आत्मा जीव खड़ी सरवा एक मन के तीन बैरी दो अखियां एक चित ए देखनो लोक दा झगड़ा निकली। तो आओ अपने नाल अपने गल छेड़ा वे बिगाड़ना कौन लवे झगड़ा तुहाडा है कर्मां दी चिट्ठियां तुहाडियां हैं कर्मां दी चिट्ठियां ते पढ़ के ना टिठियां कर्मां दे हुलारे ते हर कोई पे मारे हाथ सनो कितनी शर्मिंदगी आंदी है जिसले साडे बच्चियां दे हाथ च सिगरेट बीड़ी शराब मांस अंडा मछली चावा काफिया कोको कोयले कोयले और फेंटा फेंट के लंपा लम गया सारा देश सारा संसार। आओ किथे गई मामा चक्की चलानिया सन मैनु आज भी 2 बजे सवेरे मां दी लोरी आ जाती है क्योंकि मैनु बचपने च सवेरे उठ के चक्की चलानी कहना ओ उठी वे शामा जाल सवेले ओ दिन चढ़ने नु आया ही चिड़िया कीती चिरब चिरबल तारिया रंग बटाया है। ठीक 2 बजे अमृत वेला होंदा याद रखिया ये 24 घंटिया नु 4 ते तकसीम कर दियो 6-6 घंटे दे बाद तुहाडा सब जो द्वापर त्रेता और कलयुग आ जाता है। ध्यान दे दे जाना कोशिश करना सवेरे 2 बजे अमृत वेला जेड़ा 2 बजे उठ बैठता है ਉਹਨੂੰ ਉਮਰ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੁਰੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਭਜਨ ਹੱਥ ਕਾਰ ਵੱਲ ਦਿਲ ਕਰਤਾਰ ਵੱਲ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਜਿਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਗਈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨੇ ਤਾਂ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੁਣ ਸਭ ਜੋ ਹੈ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜੈਸਾ ਕਮਾਓਗੇ ਧਨ ਤੈਸਾ ਲਿਆ ਖਾਓਗੇ ਅੰਨ ਜੈਸਾ ਖਾਓਗੇ ਅੰਨ ਤੈਸਾ ਬਣੇਗਾ ਤਨ ਔਰ ਮਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਇਹ 6 ਫੁੱਟ 7 ਫੁੱਟ ਦਾ ਸਰਕਲ ਹੈ ਇਹ ਖੇਤੀ ਤੁਹਾਡੀ 7 ਫੁੱਟ ਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਫੁੱਟ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤਰੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਮਨ ਬਚ ਕਰ ਕਿਸਾਨ ਤਰੈ ਕਿਸਾਨ 7 ਫੁੱਟ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੋ ਬੀਜ ਬੋਵੇ ਸੋਈ ਸੁਜਾਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਇਸ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਅੱਛੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੋਗੇ ਹਰ ਤਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਮਾਤ੍ਰਿਵਤ ਪਰਦਾਰੇਸ਼ੁ ਪਰਦਰਵੇਸ਼ੁ ਲੋਸ਼ਵਤ ਆਤਮ ਵਸਥ ਰੂਤੇਸ਼ੁ ਯਾ ਅਪਸ਼ਤੀ ਸਾਫ ਬਣ ਪਰਾਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਜਾਓ ਪਰਾਇਸ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਔਰ ਬਹਿਣ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝੋ ਪਰਾਇ ਧਨ ਕੋ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਢੇਲਾ ਬਸ ये 2 चीज़ा सबसे पहले आती है जिस घर में जिस खानदान में जिस कंट्री में जिस कौम में माँ का आदर है बहू बेटी बहन का आदर है वो खानदान कभी बर्बाद नहीं होता ना कभी दुखी होता है। याद करिए मैं किसी मजहब की बात नहीं कर रहा हूं मैं न्यूट्रल आपकी चाबियां दे रहा हूं। सबसे पहले बच्चा माँ के पेट के अंदर पैदा होता है तो पहला शब्द जब बाहर आता है तो क्या कहते हैं आ मम्मा मुट्टी मुट्टर माता मदर और माँ उसे कोई मदर नहीं है वो अपने आप ही उच्चारण करता है। इस वास्ते गुरुओं ने ओंकार
कितना सिंपल ढंग से भी तुहानू समझाया है। फिर बीज मंत्र दिता है, चवी अक्षरों का बीज मंत्र है, एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भो निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी साहब भंग गुर प्रसाद जब आ सत जुगा सत है भी सत नानक होसी भी सत। वो सच्चाई इतने सिंपल ढंग के नाल तुहानू दसी है, वो चवी अक्षर हैं की चवी घंटे द्वारे कोल ने ध्यान देना, वो रीढ़ की हड्डी के चवी गुटके हैं ध्यान देना, उन्हें चवी गुटकियां ठीक करने वास्ते कलमा उदे भी चवी अक्षर ने, गायत्री मंत्र दे भी चवी अक्षर ने, चवी घंटे तुहाडे ते रीढ़ की हड्डी के भी चवी गुटके हैं। और चवी सीढ़ियां किवें असी पार करने हैं बड़ी आसानी दे नाल एक मिनट दे विच तुसी समझ जाओगे, क्योंकि मैं सीधा सावा ही चीज़ों मैं ले लिया, कोई किताबा नहीं पढ़िया, कोई स्कूल यूनिवर्सिटियां नहीं गया, मैं हिमालय तो निकलिया तो शहर जाके तो मैं कोशिश की है। और मैं खुद गृहस्थी हाँ, दो लड़के हैं, एक लड़की है और एक मेरी घरवाली, कितना सुंदर ढंग के नाल मातृवत परदारश मैं तुम पहले मंत्र दस दिता, एक माता एक नारी हमेशा के लिए सदा सुखारी और ब्रह्मचारी, याद रखिए। एक दरवाजे से आप अंदर आए हैं वो दरवाजा लॉक कर दे, दूसरे दरवाजे से आप बाहर जाएंगे या खिड़की से बाहर जाएंगे। एक ही माता है जन्म देती है, एक ही स्त्री का राइट है। अगर आदमी दो स्त्रियों की तरफ सोचेगा तो पीस होते जाएंगे, पीसेस कटता जाएगा आपका, पाप बढ़ता जाएगा, आंखें अंधी होनी शुरू हो जाएंगी, जो अंग आपका किसी को दुख देगा वो अंग आपका जरूर डैमेज होगा। ये शीशा है, हंसोगे हंसेगा, मुक्का दिखाओगे मुक्का दिखाओ, जैसी करनी तैसी करनी। ये शीशा है, ये तुहाडी आत्मा है और परमात्मा है, तुहाडे उत्ते डिपेंड करता है कि तुसी किस तरह उन हैंडल कर दे। लो मैं तुम फटाफट हूं असली चीज दस देना, साल मैं हिमालय के पहाड़ा गुफा दे विच पेड़ों के उत्ते सुतिया रहना, पत्ते खाने और देखना कि जानवर की करते हैं जंगल दे विच, जानवर हैं और कोई हस्पताल नहीं है। देखो कितना सिंपल ढंग नाल कि आदमी का बच्चा तड़फ रहा सिर्फ और सारे जानवर सुखी हैं। लो उन्हां दा करोड़ा अरबा साल का ज्ञान तुहानू मैं फटाफट दसा मिनट समझा देना है और तुहानू समझ भी आ जाएगी, क्योंकि सीधा सावा ही असी नक नू हथ ला लैने, जे साडी बांह टुट गई है तो असी सर हेठां करके नक नू हथ ला, ये वल वला के इधर घुमा घुमा के ये सारे मिलावट सजावट गिरावट दिखावट, असल से खता नहीं कम असल से वफा नहीं। ये तुहाडे चवियां सीढ़ियां है, ये तुहाडी रीढ़ दी हड्डी है, इन्हू थोड़ा जा सीधा कर लेने जी, बस और कुछ नहीं करना। हम ध्यान देना, कोशिश करना, 70 साल का कमाई ड्राफ्ट तुहानू 70 मिनट दे विच देना जाना। पानी अंदर जानवर हैं ना, बोलो जी, बोलो बोलो, पानी अंदर जानवर हैं ना, जोर ना बोलो, हाँ जी ऐसा बहुत मंज, क्योंकि मेरी बुढ़ी गड्डी है ना, तो बुढ़ी गड्डी में धक्का मार के हैंडल मार कर स्टार्ट करना पैंदा है, जे सामने फिर कोई नहीं जवाब आता तो असं कहने भाई गल की है, कोई साढ़े जी खामी है। पानी अंदर जानवर हैं, ध्यान देना, हूं कोई अस्पताल नहीं है, कोई गन बम कोई पाकिस्तान दुखिस्तान रगड़िस्तान झगड़िस्तान कुछ नहीं है, एक बनो नेक बनो सब इकट्ठे होकर रहते हैं। और कौन कौन है उसके विच ये सोचो, एक वेल मछली है जिसे दंद नहीं है, वाछ है, कांटे हैं, सारे समुद्र को साफ कर दी। देखो कितना सुंदर ढंग नाल कुदरत ने उसके विच अपने नौक रखे हुए। कोई जानवर मर जाता समुद्र
ते क्रोकोडाइल मगरमच्छ सब कुछ खा जाता है, बाकी हड्डियां पईयां रहिंदियां। हुण ध्यान देना, पानी दे अंदर कुछ नहीं है, बड़े कई कई साल समुद्रां दे किनारे और खाली और रीढ़ दी हड्डियां हिलांदे और कुछ नहीं करते हैं, ख्याल करो और पेट दे बस सौ जाते हैं। यह दूजी पॉइंट तुहानूं दस दिता है, रीढ़ दी हड्डी नूं हिलांदे मांस खाने वाला क्रोकोडाइल, घास खाने वाली व्हेल मछली और पेट दे बस सौ जाते हैं। क्यों सौ दे कि हार्ट उन्होंने हेठा है, हार्ट की गर्मी उपर चढ़ती है और ये सत डिस्क जेड़े ना इन जर्मन बन शाइबन कहते हैं। पांच पांच हजार डॉक्टर आते हैं इस लैक्चर को सुनने वास्ते कि एक बाबा पैदल आया है और सारी चीजा उल्ट पुल्ट कर दी हैं। तो ध्यान दो, मट्टी के अंदर जानवर हैं, उथी सप है मांस खाने वाला और घास खाने वाले केचुए मलापने और कोई नहीं है। दो किस्म के रोड ने, मांस खाने वाला और घास खाना, वह भी शरीर की हड्डी हिलाते हैं और पेट के बल सौ जाते हैं। क्या सुंदर चीज, क्या इस टाइम के उत्ते निकली है। ये ठीक है कि मेरी माता जी मैनू जन्म साखी सुनाते सन कि बेटा आया जी राजी जावे, इस पॉइंट को छड़ना नहीं है। कोई भी तेरे को आया उसकी सेवा सिमरन करता जाएगा तो साधना अपने आप हो जाएगी। तो मट्टी अंदर भी दो किस्म के जानवर, वह भी रीढ़ की हड्डी हिलाते पेट के बल सौ जाते हैं। कोई योग नहीं, कोई जिमनास्टिक नहीं, कोई स्कूल कॉलेज नहीं है, एक रीढ़ की हड्डी हिलाना और पेट के बल सौ जाना, ये तो कोई मुश्किल नहीं है। दो ही चीजा तुम मैं दसता पे। हवा के जानवर, चील मांस खाती है, गिद्ध मांस खाती है, कबूतर शाकाहारी, उत्थे भी दो रोडा है। वो की करते हैं, सज्जे खप्पे और उपर हेठा, जो डबल एक्सरसाइज रीढ़ की हड्डी मिलती है, हवा उड़ते हैं और भी पेट के उत्ते पेट के बल सौ जाते हैं। वाह क्या बात है, तीन दुनिया खत्म हो गई, चौथी दुनिया धरती के उपर आ गई। कुत्ता मांस खाता है, घोड़ा घास खाता है और वो भी शरीर की हड्डी नहीं लाता है। कोई स्कूल कॉलेज नहीं जाता है, कोई अस्पताल नहीं जाता है और पेट के बल सौ जाता है। चार दुनिया 84 लाख जीव सारे सुखी, तो पंजवीं दुनिया आ गई। सारे जहां का दर्द तुम्हारे और हमारे जिगर में है, अपना दुख तो अभी समझ नहीं सकते हैं, सारी दुनिया के दुखों को अभी हटाना चाहते हैं। तो कोशिश करो, हुण मेरे कोई सवाल होणगे तुसां जवाब भी देने, नींदर ना ले लेना, ऐसे हुण बहुत कम की चीज आ रही है। चार दुनिया 84 लाख जीव सारे सुखी, मांस खाने वाला और घास खाने वाला अखां बंद कर दे समाधि चले जाते। मैं आसन से इतने सफाई कर रहा सा, मैं कभी अपने नाल कोई आदमी नहीं रखे, मैं इकला इस सारी दुनिया वास्ते बहुत हाँ और 50-60 किलोमीटर में रोज चलना, सारा काम मैं आप करना। तो आश्रम जी मैं सफाई कर रहा था, ते लकड़ियां नूं मैं एक पासे कर रहा, ते हेठा एक बटरफ्लाई बड़े आराम नाल बैठी हुई। मैं कि मर चुकी है? नहीं, उन्होंने बड़े आराम नाल हाथे रखिया है, हाथे रख के वो उसे तरह नहीं सुन समाधि। मैं उन होली के अंदर जाके कमरे दे विच उथे जरा गरमाइश सी, हीटर चल रहा सी, अग्नि जल रही थी, उसे मैं आराम ना रख दिया, वेखता रहा। रिसर्च देखो की होंगी है, अस एक जानवर के पिछे लग जाने सारे वर्ल्ड की रिसर्च आ जाती। उसने हौली हौली अपने पंख खोले और उड़ना शुरू कर दिया। एक छोटा सा जानवर 6-6 महीने समाधि चला जाता है, मांस खाने वाला जानवर अखा बंद कर दे और सौ जाता है। और असी इतने पढ़े लिखे, बीए बेवकूफ, एफए फूल, एमए मैड, हायर सेकेंडरी हायर सुपर, बी काम बेकाम, 10 पढ़िया 10 नंबरिया बदमाश, केमिकल कमिकल और मेडिकल मेडिकल, ए डिग्रियां साडे बच्चे नूं मिल रही हैं। पढ़ लिख करके ना मां दी इज्जत है, ना बाप दी, ना गुरु दी, ना देश दी, ना विदेश दी। हां जी हम आजाद हैं भाई, आजादी किसको बोलते हैं ये नहीं पता। आजादी है कि शरीर किसी से पराधीन न रहे, सेल्फ फ्रेंड हो जाए, सेल्फ नॉलेज, ज्ञान लो। गुरुओं ने इतना कुछ ज्ञान देता है, अस एक अक्षर से नहीं अमल करते हैं, ये सारी खामियां हैं। तो आओ
हूँ आदमी का बच्चा पैदा होता है दो टांग ना चलता कि चार ना गोल नहीं चार ना चलता तो बच्चा को पैदा किया नहीं ना अपने पेट रोला दे पै मामा को पूछता तो फटाफट कहते बच्चा चार ना चलता है कोई इंसान का बच्चा करोड़ा अरबा साल बाद पैदा होएगा असी तुसी पिछले जेड़े करोड़ा साल निकल गए कभी इंसान का बच्चा दो टांग नाल नहीं चल सकता है कुदरत ने इसे बनाया हॉरिजॉन्टली और चार नाल चलेगा और पेट दे बल सुत्ता मिलेगा देखो कितनी सिंपल ढंग दे नाल बच्चे को ज्ञान है हुण असी अपना ज्ञान उहदे अंदर टेप करना शुरू कर देने बापू आंदा बगैर मुछा दे गुड्डी हाँ पापा गुड्डे नूं सिद्धा कर लो ये तो सारा हिंदुस्तान इस सारे वर्ल्ड दे इंसानां दा तख्त है उलट गया उन्हीं दशा रिसर्च करनी शुरू कर दी कि हार्ट ऊपर आ गया हार्ट की गर्मी ऊपर जाती है नेत्र दा अश्रू है और ठंडक नीचे आ गई थोड़ी रीढ़ की हड्डी ठंडी हो चुकी है फिर वो बच्चा चार टांग नाल चलता फिर चलता चलता फिर पेट के बल सौ जाता है पर साड़ी बुद्धि जिहड़ी है साड़ी डिवेलपमेंट जिहड़ी हो चुकी है असी वापस नहीं जाना चाहते अभी तुम बिजली के बगैर रह सकते हो नहीं रह सकते क्योंकि तुम पराधीन हो चुके हो और कोई जानवर बिजली नहीं दिखाता वह तीसरा नेत्र क्लियर है देखो कितनी सिंपल ढंग के नाल ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना यह त्रै नाड़ियां गंगा जमुना और सरस्वती और यही तुम्हारी कुंडली है कोबरा पावर सब सारिया शक्तियां इतने कंट्रोल होनी पी और हर जानवर की सारिया शक्तियां खुली हैं तुम हैरान हो जाओगे और खाली और रीदे हड्डियां हिलांदे पेट के बल सौ जाते कोई खाते नहीं पीते नहीं कोई राशन कार्ड नहीं है मिल गया नहीं मिले तो छे छे महीने साल तक मेहनत जेड़ा वह मट्टी के अंदर वर जाता साल बाद फिर वर्षा होगी और फिर आ जाता है सोचो कोशिश करो असी इंसान है फिर दूजी गलती की हुई है तीन चार मिलियन साल की मैं रिसर्च की है ये अज की नहीं है फिर आदमी का बच्चा चार नाल चलता टंगा नाल चलता पेट के बल सौ जाता फिर बापू कहते हो तू जानवर नहीं है तू महाजानवर है लो जी इतो आके थोड़ा सारा वर्ल्ड का बठा बैठ चुका है वर्ल्ड का एक इंसान नहीं है जिसकी रीढ़ की हड्डी ठीक हो गए अगर वो सज्जे पास चाहिए तो ना भी खबी वादे आ रही है तो लैफ्ट साइड का लंग्स ट्रबल हार्ट ट्रबल किडनी ट्रबल अगर इधर चली गई तो सज्जे पास नहीं किडनी ट्रबल लंग्स ट्रबल और अगर ये रीढ़ की हड्डी इस तरह आ गई है तो ना भी ऊपर आ गई है बवासीर भुगंदर विंड गैस कब्जी और अगर इस तरह है तो कद्दू मल पेठा मल मोटू मल झोटू मल खोटू मल लोटू मल हेलो तुम ये लो माल मुझे दे जाओ क्योंकि मेरा पेट बड़ा है एक ग्राम ना वजन बदल देना याद रखना अगर एक ग्राम तुम्हारा वजन बढ़ गया है तो समझो कि तुम्हारे हार्ट में 10 किलोमीटर एक्सर्शन है 10 किलोमीटर आखिर मच्छर पै गया खबी आखिर मच्छर पै गया उठदा आ रहा सी मैं वेखे नहीं पै गया हुण इस अख नूं बंद होना पिया क्यों इस अख नहीं पिया कोई बीमारी नहीं चली गई मच्छर मीन फॉरन मैटर मजेटी द्रव जी चीज नहीं चाहिए पै गया मैं तोता साफ किया मक्खन लाया तेल लाया ठीक हो गई संसार जर्मनी पांच हजार डॉक्टर आते हैं इस लैक्चर सुनने वास्ते इस लैक्चर सुनने वास्ते पांच हजार डॉक्टर आते हैं और अपने हस्पताल एक्सरसाइज कराते हैं एक मिनट करने तो बाद नींद आ जाएगी सवेरे करोगे खुल के शौच आ जाएगा माल तुहाडे शरीर नूं रोके बैठे तो माल मनी माइंड नूं रोके बैठे ये तुहाडी रस्सा कशी चल रही है मन किथे मन दे नाल अंदर ब्रेकां लगियां पईआं ये तुहाडी रीढ़ दी हड्डी जिहड़ी है कि टेढ़ी होई पई है जब तक ये रीढ़ दी हड्डी तुहाडी सिद्धी नहीं होएगी जो कोई बीमारी वजह 5000 बीमारियां लगे डॉक्टर ने तुहाडे सिर ते लाण फिर देखो एक मिठा बंद कर दो दसा दिन दर्द खत्म 209 हड्डियां मावां दे कोल हैं 208 हड्डियां ये साढ़े भरावां कोल हैं उन्हां दे विच मिठा इतना जा चुका है अद्धा अद्धा किलो मिठा खा रहे हो अद्धा अद्धा किलो हिंदू मारिया गया मिठे नाल जो फेस्टिवल हैं हिंदुआं दे वो सब मिठा मार खाना पीना मार दुनिया भर दे
काराली ने ऑर्डर कर दिया आज संग्रांत है। हाँ ले आओ जी, आज काशी आ गई है, आज द्वारसी आ गई है। वो ऐसे ऐसे मार्ग फेस्टिवल ब्राह्मण ने बना देते हैं कि ऐसी उन्होंने गुलाम हो गए। आओ तिथवार में योगी जान अपने आप में संभालो। मुसलमान मारेगा मीट से मार धार मीट का, उन्होंने जितने फेस्टिवल हो सब मार धार कट कर दे खून रेजी। तो कोशिश करो हूं मैं तुम असली चीज कि किस चाबी के नाल तुसी अपने आप को ठीक कर लो। बस कोई कोई चाबी है सौन का तरीका और एक व्यायाम करने का तरीका और कुछ नहीं है देना, कोई दवाई टीका इंजेक्शन कुछ नहीं है। पिछले हफ्ते एक नौजवान सरदार सुभाष सचदेवा के घर आ गया, उसने अपने घर ले गया कि साढ़े बच्चे देखो। चल भाई लैक्चर खत्म होया चर्च के उधर गया मैं बैठा, वो बेचारा पूछण वास्ते आया सचदेवा नु कि भाई तेरी अखां दा ऑपरेशन ठीक हो गया। उधर नाल ही घर से उस घंटी खड़काई तो सचदेवा खुद उठ के जाता है, कहना वो अंदर आ जा। कहने की गल है सके तू अगर मैं टाइम नहीं पसा तो गल सुन। वो अंदर आया सत श्री अकाल जी बैठ गया। मैं बेटा तू गुरु का लाल होके तेरे चेहरे से मार चिंता है की गल है। बड़ा हैरान होया कि गल की है, स्वामी जी मैं जानता नहीं ते मैनू नहीं जानते। मैं कहा बेटा कोई तकलीफ है बॉडली मेंटली कोई भी है दस। कहते जी मैं इंडिया हो आया उत्थे भी ऑपरेशन कहते मेरे कान का करो, इतों के भी सारे डॉक्टर ऑपरेशन करो। मैं कहा तो कोई गल नहीं तू कराया तो नहीं है कि मैं नहीं करा। मैं कहा ठीक करना पंजा मिनट है उसका कान हौली 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 सुनना बंद कर और कोई तकलीफ नहीं उन्हों एक कान ठीक सी। मैं उसके नाके च ट्यूब नाके पा के पहले उसकी वाइफ ने किया सचदेवा जी उसकी लड़की ने सीखा। मैं क्या देख ले ये लेडीज कर दी पी तो तू जेंट्स है और तू मर्द ने सिंह सूरमा है। मैं एक सेकंड जो कराई ढाई किलो मलबा उसके नाके निकलेगा ढाई किलो। हैरान हो जाओगे दूजे पास उस अपने आप कर लिया। मेरा दूजे दिन लैक्चर से फिर चर्च उन्हें पता लगा वो गड्डी रेड लाइट ही दौड़ाई जा रहा है कि स्वामी जी निकलना जान मैं किवे मिलांगा। बड़ी मुश्किल नाल वो पहुंच गया। कहंदे जी मैं तुहानू एक खुशखबरी देना चाहना। ते पुत्र साढ़े को तो खुशखबरी है खुशखबरी है। कहंदे मेरे कान सुनना शुरू हो गए। तुसां कहा सी पंजा मिनट ठीक कर देने तो मैं मनिया नहीं सी लेकिन उस नीति दे नाल दूजे दिन ही कड़क कड़क होए मल निकलिया उसे करना ठीक हो गए। इस वास्ते मैं तुम वो चीजा देना चाहना जिड़िया तुहाडे अंदर हैं उन्हें जगाओ। अपने मकान नू खाली करो, अपने मकान दे लैंप ठीक करो, बिजलियां ठीक करो। जो पिंडे सो ब्रह्मंडे याद रखे हिंदू कहां तो मारिया मुस्लिम भी तो ना ही पांच तर का पुतला नानक मेरा ना। गुरुआं ने बाणी विच एक एक अक्षर के उत्ते सारे वर्ड के मसले हल किए और साढ़े तुहाडे सानू समझ नहीं आ रही बाणी दी। अगर बाणी नू समझ जाओगे एक अक्षर दे अंदर तुहाडे कई जन्म शुद्ध हो जाएंगे। तो आओ हुण मैं तुहानू ओ समझाना चाहना कि ये रीढ़ दी हड्डी की है ते केड़ा व्यायाम करो ते किवें सौ। बस ये दो पॉइंट तुहानू मैं दस देंगा हैरान हो जाओगे। दो चार दिन के अंदर ही मिठा मैं तुहानू कह दिता कि मिठा ते फल फ्रूट नहीं खाना। दो चीजा बंद कर दोगे तुहाडे बॉडी दी दस हवावां काम करनगियां। पांच प्राण ने पांच उप प्राण ने जान लेना। इस बॉडी दे विच दो किस्म दे नौकर ने, एक वॉलंटरी सर्वेंट है और एक पेड सर्वेंट है। इत्थे गुरुद्वारे च भी दो किस्म दे सेवादार ने। इनको खोल दे एक ताके झाड़ू दे रहे प्यार नाल सेवा कर रहे जोड़िया ने। कोई मां प्रसादे बना रही है पता नहीं केड़ा महात्मा कौन आएगा गुरुआं दे लंगर नू पा के उदे कई जन्मां दे पाप कट जांदे। गुरु नानक साहब ने आखिरी उम्र हल चला चला के लंगर चलाया। इहदे उत्ते तुसां बड़ी खोज कीती है
कि गुरुओं ने जो भी चीजा दसियां वो एवर हमेशा वो ग्रीन रहन गया और इंसान का भला होता रहेगा। 50,000 आदमी दे एरिए महल्ले विच एक गुरुआ का लंगर चले, कोई संसार भुखा ही नहीं रहा। देखो कितनी सिंपल ढंग मैं तो कह दिया। तो इस वास्ते कोई चुप नहीं, लाओ जी खोलिया नहीं यार, इतना अच्छा आदमी कभी नहीं मुछा दिल सुन लैन खा लिया बम पैन कन्ना के पर्दे फट गए। असि उस नीति के नाल उन्होंने ठीक किया। 70-70 साल के बुढ़िया के कान ठीक हो गए। सोल्ड ईयर, सोल्डियर जानते हो, सोल्जर को कहते हैं जिसे अपने कान नहीं है। राइट राइट, लेफ्ट लेफ्ट, फायर फायर, अपने नाल सोचता ही नहीं है। उसने वो पैसा तनख्वाह लैन नाल अपने कान सोल्ड करते हैं, बेच देते हैं। जाओ हूँ तुझे अपने कन्ना फाड़ लो, फाड़ लो अपने कन्ना, एक मिनट लो यदि मालिश कर दो, गारंटी देना 10 दिन फाड़ लो। मैं फड़ा कान मेरे हाथ से जा करके, क्योंकि मैं तो बहुत जबरदस्त आदमी हाँ, कोशिश कर रहा मैं समझने की। मैं अपने तूफाना रोक नहीं सकता हाँ, मैं फिर भी कोशिश करा। अपने कन्ना जी मालिश करो माता जी, ना चक्की चलानी, ना चरखा, ना चाटी, ना चट्टू, ना चौका, ना चूल्हा, ना चोटी, ना चुन्नी, और चाह मरानी आ गई, लिपट लिपट गई या ब्रेकिंग कौन हड्डियां तोड़ लिए। जाओ कन्ना जी मालिश करो, सारियां जावा दर्दा खत्म, कोई बीमारी नहीं रहेगी। करो करो मालिश, इन्हें गर्म भी कर दो जरा, गर्म करने के नाल तुहाडे सारे ऑर्गन अंदर दे मसाज हो जाएंगे। अगर लिवर खराब है तो लिवर ठीक हो जाएगा, हार्ट खराब है तो हार्ट ठीक हो जाएगा। कितना सुंदर ढंग लग, एक एक वाल दे उत्ते बड़ी बड़ी किताबां लिखी है। साबत सूरत रब दी, गुरु जेड़े आए ना, यदा यदा ही धर्मस्य गलानिर भवति, जब जब बाहर सरसते कोई भी गलानी आई है ना, तो न किसी न किसी रूप में गुरु लोग आए ने और देश ने बचाया। मैं बात करूं आपकी या तब की, अगर गुरु गोविंद सिंह ना आते तो सुनत होती सब। इतना जुलम, उस जुलम को खत्म करने वास्ते अपनी कुर्बानियां दे गए, खानदान दे खानदान कुर्बान कर देते हैं साढ़े वास्ते। आज अगर कोई नजर आ रहा है उन्होंने मेहरबानी है, उन्होंने कुर्बानियां है, तो ये तो कन्ना का मैं तुम दस देता है। खाली कन्ना की मालिश करना और कुछ नहीं, एक बूंद घ्यो ले लेना थोड़ा जा, इतने गावा घ्यो मिलता ही और चुप बी फटाफट कर छुपले कोई चुप ले। हम ध्यान करो माता जी, मेरे को थोड़ा जा टाइम रह गया, उस टाइम में चाहना कि तुम मैं पूरा ही लंगर छका के जावा, ताकि तुहाड़ियां जिंदगियां तुहाड़े बच्चे हमेशा वास्ते सुखी हो जान। मैं 30-30 साल बाद आंदा जे, ये भी ध्यान देना, मेरा मिलना मुश्किल है। मेरी लड़की है असली गुरु गोबिंद सिंह कॉमर्स कॉलेज बना रही है प्रीतमपुरा दिल्ली, 20 एकड़ जमीन, 20 करोड़ रुपया गवर्नमेंट को लेके हेड लगी हुई है। असली यूएन ने उन्होंने बुलाया, इससे कजाकिस्तान रशिया जाई हुई है। तो बच्चे भी अगर हैं तो उन्होंने इतनी शक्ति, इतना पढ़ाओ लिखाओ कि वो सारे संसार को ज्ञान दें। एक मेरा लड़का जर्मनी रहता है, उतने दे आश्रम सारे यूरोप के आश्रम हैं, वो संभाल रहे और तो कर दे भाई। लो जी आ तुम्हारा सारा प्रॉब्लम पहले ही आ गया, ए तुम्हारी रीढ़ की हड्डी ए देना जी मैंने। सारे प्रॉब्लम जेड़े हैं मैं गूंगे नु नहीं फड़िया, अन्ने नु नहीं फड़िया, कोई बच्चा अन्ना पहले के दंद विद्यालय खोले जा रहे हैं, बहरा तो बहरा दे अस्पताल, विकलांग है तो विकलांग दे अस्पताल, फेफड़े खराब रहे तो चेस पटेल खोल रहे, हड्डियां खराब ने तो हड्डियां के डॉक्टर बने हुए, अखा खराब ने तो अखा के अंध विद्यालय बन गया।
ਕੋਈ 5000 ਅੰਗ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ 5000 ਹੀ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਨਾ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੋ ਆਓ ਇਹ 24 ਹੱਡੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੀੜ ਦੀਆਂ ਇਹ 24 ਹੱਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖ ਲਓਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਧਾ ਉਹ ਭਾਈ ਇਸ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੜਨਾ ਇਹਦਾ ਪਿੱਠਾ ਬੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ ਭਾਈ ਉਹਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਾਲੀ ਮਾਂ ਵੀ ਭੁਜਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਜੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੈ ਭੁਜਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਮਾਂ ਵੇਖੀ ਬੋਲੀ ਕਦੇ ਵੇਖੀ ਤੁਸੀਂ ਤਰੈ ਭੁਜਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਜਿਹਦੀਆਂ ਤਰੈ ਭੁਜਾ ਹੋਣ ਉਹਦੇ 9 ਲੜਕੇ ਹਨ ਉਸ ਮਾਂ ਦੇ 9 ਲੜਕੇ 9×18 ਭੁਜਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 2 ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ 20 ਭੁਜਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਮਾਂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਬੋਲੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਨੇ ਔਰ ਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਸਮਝੋ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਵੀ ਦਿਆਂਗਾ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਯੋਗ ਸਿਖਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 30 ਜਨਮ ਲੱਗਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 24 ਹੱਡੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਰ ਜਾਨਵਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੇ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਨੇ ਮੁੰਨ ਰਾਹ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਖਾਡੇ ਗਿਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਮਿਲੀਅਨ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹਾਊ ਟੂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਯੋਰ ਸੈਲਫ ਹਾਊ ਟੂ ਕੰਪੋਜ਼ ਹਾਊ ਟੂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹਾਊ ਟੂ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 4 ਟੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ 4 ਟੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਹਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 4 ਟੰਗਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 3-4-5 ਮਿਲੀਅਨ ਸਾਲ ਦੇ ਜਨਮ ਨਾਲ ਸਿੱਧ ਕਰਾਂਗਾ ਅੱਜ ਜਰਮਨ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੀ ਕਿਆ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਭਾਰਤਮ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਥਾ ਹੈ ਔਰ ਰਹੇਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕੇ ਉਪਰ ਹਮਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਯੋਗੀ ਥਾ ਗੁਲਾਮੀ ਮੇਂ ਭੋਗੀ ਆਜ ਰੋਗੀ ਔਰ ਰੋਗ ਹੈ ਨੇ ਦੇਖੋ ਅਬ ਆਇਆ ਆਪਕੋ ਸਮਝ ਮੇਂ ਮੈਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੇਂਜ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵਰਲਡ ਦਾ ਹਿੱਕ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਹਿੱਕ ਡਾਕਟਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਸੰਨਿਆਸੀ ਉਦਾਸੀ ਬੈਰਾਗੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਜੋਸ਼ੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵਰਲਡ ਦਾ ਸੋਲਜਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੱਥ ਜੋ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਹਥੇਲੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਵਰਲਡ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਕੱਢ ਕੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇ ਮੇਰਾ ਕੀਮਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਹਾਈ ਨਾ ਹੈ ਨਾ ਹੋਗੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਨ 3-4-5 ਮਿਲੀਅਨ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਵਹਿਮ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਔਰ ਡਰ ਔਰ ਫਾਰਨ ਮੈਟਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਨਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਰੀ ਵੈਦਾਚਾਰੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀਆਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣਾ ਜਾਂਦੇ ਜਰਮਨੀ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਨ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਕਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂ ਜੀ ਲਿਵਰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲਓ 40 ਦਿਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਠੀਕ ਕਰ ਖਾਲੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਫਿਊਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਰਸੀਡਿਸ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਔਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਡੀਜ਼ਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਬਸ ਇਤਨਾ ਹੀ ਸਵਿਚ ਆਨ ਔਫ ਕਰਨਾ ਤੁਸਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ ਕਹਾਂ ਸੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਕਹਾਂ ਕੋ ਜਾ ਰਹਾ ਹਾਂ ਕਹਾਂ ਪਰ ਹੂੰ ਮੈਨੇ ਕਿਆ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਗਲਤੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 24 ਗੁਟਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਤੇੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੀ ਗਲਤੀ ਇਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਜੇ ਵੇਖ ਲਓ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਮਾਲ ਖਾ ਗਏ ਸੱਸ ਸੁਸਰ ਦਾ ਮਾਲ ਖਾ ਗਏ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ 3 ਦਿਨਾਂ 20-20 ਪਾਉਂਡ ਵਜ਼ਨ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ
हूं फाका कर लो थोड़ा थोड़ा। तुम भी इस सेंचुरी च आए हो तो मैं भी इस सेंचुरी च आ गया। हूं मां पुत्रां दे मुकाबले होणगे ना, वेखना ना तुहाडियां तकलीफां। ना तो मैं तुहानूं कोई दवाई देनी। खोल भाई खोल दा जूं जा पता कर दे। आ लो तुहाडे ऑपरेशन के हो रहे हैं। सवेर तो लैके शाम तक पता नहीं कितनियां मावां दे नाल मैं डिस्कशन करना। अजी पांच ऑपरेशन हो चुके हैं, छेवां तैयार पे है। हूं दसो ये तुसा तो इस तरह अपने आप नूं समझा लिया है कि तुसी डॉक्टर की मावा ही बन गई। डॉक्टर का बिजनेस चलाई जा रहे हो, कोशिश करो समझने की। ये ऑपरेशन क्यों हो रहे हैं? किसी जानवर नूं कोई ऑपरेशन नहीं होता। बोलो एक जानवर दसो डॉक्टर को जाता हो। जी इंग्लैंड रिटर्न डॉक्टर मैड, जिसे अंग्रेज अपने भारतीय पहुंच जाते ना पंजाबी, इंग्लैंड रिटर्न डॉक्टर मैड। मैड मीन जानते हो तुम मैड, मैड अकल जो अकल था वो भी मैड हो गया तो मेडिकल बना। मैड सन प्रोड्यूस कर लिया, मार मार के सुबह अस्पताल हस्ते पताल होके छोड़ देंगे और फिर ऑपरेशन बाद सक्सेसफुल मैन गो टू चर्च या छुट्टी। जब मरीज ही नहीं रहने देते तो मर्ज कितों रहेगी? खाली तजर्बे हो रहे हैं तुहाडे, याद रखना ये अस्पताल नहीं है, बुच्चड़ खाने हैं। किडनिया एक एक दो दो लफनी बेच रही है, तुम पता ही नहीं लगता। हूँ लखनऊ के कोल साडा उत्थे कानपुर बहुत बड़ा आश्रम है, 2000 आदमी रोज आंदा है और खाली मिठा छड़िया फल छड़िया एक एक्सरसाइज जा है बेड़ा पार। उत्थे बेचारे सीतापुर एक शहर है लखनऊ के अगे, उहदे च अखां दा बड़ा अस्पताल है। तो 80 बेचारे बुढ़े इकट्ठे हो गए ऑपरेशन वास्ते। एक डॉक्टर बहुत ही कहने जी मैं भी सेवा करना, तू ही कर ऑपरेशन। उसने बहुत बढ़िया करते, सारा कुछ ठीक हो गया। हूँ पट्टियां खुलनिया सन ना कल, फिर अज रात को उसने एक एक टीका सारे ला के एक एक अख ही कट के लिया। सब महाराजा रणजीत सिंह बना गया, 80 अखा लैके चला गया। पता ही बोलियो कितने गया डॉक्टर और डाकू। कोशिश करो माता जी, एक रीढ़ की हड्डी सीधा कर लो तो हेक व्यायाम मैं हूं दसांगा करण दे नाल। अगर कोई बीमारी रह जाए तो मैं फड़ लेना, गल खत्म हो गई। 4 मिनट 400 साल तक अपने शरीर में ले जा सकते। 80 लाख सुराख ने फेफड़े 80 लाख। भाई सिर को ढक लो बेटा, सिर एक रुमाल ले आओ, एक रुमाल दे दो। हाँ ये लो ये लो ये लो रुमाल है। अच्छा तो ठीक है सर, भूल गए कोई बात नहीं। कितना सुंदर ढंग दे नाल गुरुआ ने, ये सिर साडा नहीं है, ये दसम पातशाह दा है। असा इहदी दारी करनी है, सरदारी। कोशिश करो वो कुर्बानियां इन्हां केसां पिछे बंद बंद कटवाए, खोपड़ियां उड़ाइयां, आरा नाल चीरे गए। अपनी सिक्खी नहीं छड्डी, रहत नहीं छड्डी है, तो रहत ही आ जाओ। हूँ मैं तुहानूं यह दस रहा कि ऑपरेशन क्यों होने। तुसी मार अंग्रेज तो बन गए हो, ना अंग्रेज रह ना हिंदुस्तानी रह। टेबल दे उत्ते चक्कू और छुरियां और कांटे रख दिते, रखे जे ना खांदे हो ना कांटियां नाल। बोलो बोलो जे तुसी उस गुरुआं दे लंगर नूं कांटियां नाल खाओगे तो कांटे दे चक्कू छुरियां तुहाडे कोल आ गए। अज तो बाद कोशिश करो अपनी सभ्यता अपनी संस्कृति बहुत लो जी। हम ध्यान देना सारे मसले वर्ल्ड के 5000 बीमारियां तुहानू बगैर दवाई बगैर टीके बगैर ऑपरेशन प्राणायाम। लो इधर सारे पास लो जी, ये तुहाडे गेट भी कीपर ने, आगे आ जाइए। एक गेट कीपर है इत्थे गुरुद्वारे दा, तो सारी रक्षा कर लैंदा ना। बोले जी जे ओह समझ जांदा तां दूजा गेट कीपर आ जाए। कोशिश करो तुहाडे 32 गेट कीपर और एक नहीं रहण दित्ता तुसां। सोचो सोचो कॉल गेट, कॉल मीन माउथ,
किलोमीटर तक मैं दौड़ लगा देना, तुम हैरान हो जाओगे। और मेरे पड़पोते की शादी हो चुकी है, कोई 60 साल के बाद मिल जाओ, कहते तुम इस तरह ही रहते हो, सिखाते ही रहते हो। भाई तुम सीखते नहीं हो तो मैं की करा, मैं तो अपना आदत नहीं ना छड़ सकता। इस वास्ते कोशिश करो, ये तुहाडे दांत आंत माथ नाक और आंख पंजो डेड ने तुहाडे, खाली मिठे की मेहरबानी। अज अगर शुगर हटा दो धरती उत्तों, अगर एक अस्पताल रह जाओ और एक बीमार रह जाओ तो मैं पढ़ लो। कोशिश करो, इन्हें तुहाडी अपनी है, क्योंकि बॉडी प्रोड्यूस ग्लूकोज और प्रोड्यूस किस रीढ़ की हड्डी है। ये बड़ा सिंपल ढंग चौबी सीढ़ियां हैं, चौबी कंटे हैं, और ये रीढ़ की हड्डी थोड़ी टेढ़ी हो चुकी है। कुछ नहीं करना, तुसा लेट के थोड़ा दिन पर ठेले को खिंचता खिंचता ना बोलो जी, कोड़ा दिन पर कई टन वजन खिंचता है, उसकी रीढ़ की हड्डी खिंच खिंच के टेढ़ी होगी और थोड़ी बैठ बैठ के टेढ़ी होगी। फिर आया योग, जिस योग आश्रम में जाओगे वो पहले शीश आसन करा देता है, बोलो बोलो, वो होर टेढ़ियां कर देंगे, क्योंकि रिसर्च तो कोई करता नहीं है, मक्खी तो मक्खी मारी जा रहा है, नकल चाहिए अकल, बोलो बोलो। अगर तुम नकल भी करनी है, नकल मारनी है सज्जे खब्बे, तो कंट्रोलर उत्ते बैठा है। इस वास्ते कोशिश करो, ये योग 84 लाख गीत, 84 लाख पोर, 84 लाख आसन, योगियों ने 84 निकाले, 8-8 घंटे पदम वास्ते बैठे रहना। वो मैं तो बैठ गया, ये अजकल के बच्चे तो पदम आसन, तुम गोडे के भार नहीं बैठ सकते हो, पैरों के भार नहीं बैठ सकते हो, क्योंकि तुहाड़ियां पैंटा जिहड़ियां पै गई ना, दुसांगियां जिहड़ियां पैंटा पा लियां, दुसां तुहाडे गोडे चौथी खत्म है। फिर तुहाड़ियां शौच जांदे तो कुर्सी से बैठ दो, घर जांदे तो कुर्सी, कुर्सी से बैठने का ढंग किसी को पता नहीं, सारिया कुर्सियां सोफे तुहाडे टेढ़े ने, यह जो सज्जे खब्बे कर लोगे ना, यह तुहाडी रीढ़ की हड्डी है, यह हो रही है सोफे कुर्सियों में भी, यह हो रही है। तो कोशिश करो, ये तुहाडे दांत आंत मास नाक और आंख पंजों के पंजों डेड हो चुके, अंदरियां ताक